मशहूर एक्ट्रेस निरुपमा रॉय 1946 में बॉलीवुड एंट्री कर चुकी थी। लंबे वक्त तक लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया। उन्होंने छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनके जन्मदिन पर आपको सुनाएंगे उनकी जर्नी। निरुपमा रॉय को उनके किरदारों के कारण इंडियन मदर के नाम से जाना गया। उन्होंने कई फिल्मों में माँ का किरदार निभाया। 4 जनवरी 1931 को जन्मी निरुपमा ने छोटी सी उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 15 साल की उम्र से लीड एक्ट्रेस के रूप में फिल्मों में अपना करियर स्टार्ट किया। 1946 में उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा। लंबे वक्त तक लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया। निरुपमा रॉय का जन्म गुजराती फैमिली में हुआ। बचपन में उनका नाम कोकिला किशोर चंद्र बलसारा था। महज 15 साल की उम्र में कमल रॉय से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद वो मुंबई चली गई। योगेश और किरण नाम से इनके दो बच्चे थे। रनक देवी से उन्होंने फिल्मों में आगाज किया। 1946 में उनके पिता ने एक गुजराती अखबार में एड देखा। एक फिल्म बन रही थी जिसमें कलाकार चाहिए था। उन्होंने निरुपमा का प्रोफाइल भेजा और वो चुन ली गई। इसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म के लिए डायरेक्टर होमी वाडिया ने उनको कास्ट किया। फिल्म का नाम अमर राज था। उनके साथ हीरो थे त्रिलोक कपूर। त्रिलोक कपूर के साथ इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा हिट रही। निरुपमा रॉय की करियर की शुरुआत में कई फिल्मों में वो देवी के रोल में दिखाई दी। लोग सच्ची में उन्हें देवी समझने लगे और उनका आशीर्वाद लेने उनके घर तक पहुंच जाते थे। अमिताभ बच्चन की भी कई फिल्मों में निरुपमा रॉय ने उनकी माँ का रोल प्ले किया है। साल 2004 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। 13 अक्टूबर 2004 को हार्ट अटैक से मौत हो गई इनकी। वो 72 साल की उम्र में थी। ब्यूरो रिपोर्ट इंडियन फिल्म हिस्ट्री। प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड न्यूज़।